उससे के लिए सोल प्लेयर टू को पहले एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से करते हो नजर आ जाएगा। आर्टेमिस को नॉकी नहीं फिनिश में भी तब्दील करना काफी ज्यादा आसान रहेगा, बट क्या सेविटार को भी डाल सकते हैं डाउन, वो बहुत बड़ी बात रहेगी। लेकिन देखिए एक नॉक निकला एंड दो प्लेयर्स एक रेस कर चुके हैं। सोल प्लेयर थ्री आगे के साथ आगे की तरफ जाके वो कमान को संभालेंगे, एक सेविटार को भी काफी ज्यादा डैमेज। सोल प्लेयर फोर भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, माइक्रोजी का इस्तेमाल, सेविटार काफी कम एचपी पे, सोल प्लेयर फोर को काफी ज्यादा डैमेज, बट सेविटार गेट्स डाउन एंड इसी के साथ मैक्स कस डब्ल्यूएनएल भी डाउन हो जाएंगे। आर्टेमिस एक लौटे खिलाड़ी बचे हैं, बट सोल प्लेयर थ्री ऐसा होने नहीं देंगे, एक प्लेयर को नॉक जरूर से करा गया, बट कवर फायर बहुत प्यारा। सोल वर्सेस ओनली रॉक्सी टीम, कौन जीतेगा? अगर आप देखो प्लेयर वन तो दूसरे एंगल से एग्रेस कर चुके हैं, एक प्लेयर को डाउन भी करा जा चुका है, दैट विल बी प्लेयर टू जो कि पहली ओपनिंग वापस से देता हुआ नजर आएगा अपनी टीम को। सोल प्लेयर फोर आगे की तरफ बढ़ रहा है, बट प्लेयर टू काफी कम एचपी पे, प्लेयर थ्री भी काफी कम एचपी पे, उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। अब सोल की टीम धीरे धीरे दिक्कतों पे भी फंसी हुई नजर आ रही है, बचे हुए हैं प्लेयर वन जरूर से गार्ड करेंगे अपने एंगल्स को, बट क्या एक पॉइंट प्लस निकाल पाएंगे, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, क्या दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर पाएंगे? जी हां बिल्कुल, कोशिश लगातार ओनली रॉक्स देखे जा सकते हैं, ओनली रॉक्स पूरी कोशिश करेंगे कि अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सके, वो 1v2 क्लच तब्दील ना होने दे, बट सोल प्लेयर वन नहीं रुकेंगे यहां पे, वो एक के बाद एक एंगल्स क्रिएट करते चले जाएंगे। अभी ग्रेनेड भी कुक करा जा चुका है, आई थिंक रॉक्स को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अगर डाउन करने में सक्षम हो जाते हैं तो काफी ज्यादा बेहतरीन सिचुएशंस क्रिएट कर लेंगे एंड सोल एक और बेहतरीन फाइट अपने पक्ष में लेके जाती हुई नजर आएगी। लेकिन टीम नंबर 24 एक बैक स्टाफ से जरूर से सतर्क रहना पड़ेगा। टीम 24 के खिलाड़ी प्रश्न करते हुए नजर आएंगे टीम सोल के ऊपर। टीम सोल लगातार फाइट्स, मल्टीपल फाइट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही है और ये मल्टीपल फाइट्स जो है वो इनके लिए दिक्कतें लगातार क्रिएट करते हुए। प्लेयर टू को जरा भी अंदाजा नहीं कि राइट साइड पर फ्लैंक कर चुके खिलाड़ी एक ऑफ गार्ड एंगल से डाउन किए जा सकते थे, बट अभी के लिए वो बाल बाल बचे हैं। और वहीं प्लेयर टू की अगर बात की जाए, UMP 45 उनके हाथों में देखने को मिल जाएगी। प्लेयर वन AKM के साथ नजर आ जाएंगे, एक प्लेयर को डाउन, दूसरी के साथ उन्हें फिनिश भी कर दिया जाएगा। 8वां फिनिश पॉइंट अपने खाते में बटोरते हुए नजर आ रहे हैं और टीम 24 एक एक करके बिखरती चली जा रही है क्योंकि उनके सामने टीम सोल है, नई टीम सोल जो कि घुसती भी है, मारती भी है और जीतती भी है और इसी तरीके से परफॉर्म करती चली जाती है। और देखिए फिनिशर्स पे फिनिशर्स निकाले जा रहे हैं, बट यहां से एक और टीम की एंट्री, एक और थर्ड पार्टी होती चली जा रही है। टीम सोल हर बार इन थर्ड पार्टीज में फंसती हुई चली जा रही है, बट यहां से अगर प्लेयर फोर को रिवाइव मिलता है तो मेरा मानना है कि दोबारा से टीम सोल इस टीम को भी फिनिश कर सकती है। हो जाते हैं तीनों प्लेयर्स वापस सेफ बाउंस के ऊपर और टीम सोल वापस से वही सेम डोमिनेशन, वही सेम परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को मिलती है। प्रेडिक्टेबल स्प्रेज लेते चले जा रहे हैं स्मोक से अंदर, डैमेज देने की लगातार कोशिश, नॉक प्लेयर को यहां पर फिनिश करते हुए नजर आएंगे। बाकी के पीछे यहां खिलाड़ी नॉक नजर आते हुए उन्हें फिनिश करने की जगह सबसे पहले आखिरी प्लेयर को फिनिश करना चाहिए। टीबी भी पोजीशन भी मिल चुकी है, लीजिए एक और खिलाड़ी डाउन कर दिए जाएंगे और आखिरी प्लेयर को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। 12वां फिनिश पॉइंट्स यहां से टीम सोल इकट्ठा करेगी, 12 फिनिश पॉइंट्स।